डेफिनेटली ये जो हमारा हेल्थ कार्ड का ऊपर में हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ का उसमें एक कमिटी होता है. सो कमिटी उसको ताकि स्मूथ फ्लो हो, कमिटी उसको हमेशा टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है. और लोग इस फैसिलिटी के साथ में जोड़ने के लिए यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड एंड नो कि सरकार आपके द्वार कैंप स्टार्टेड इन ईयर 2017. अभी आज का नया जो है उसको री ऑरेंज करके सेवा आपके द्वार कैंप में हम लोग ताकि गांव-गांव में कैंप बैठा के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विसेज, राज्य सरकार के सर्विसेज के साथ में हम लोग जोड़ पा रहा है. एंड इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम जो आपने हेल्थ कार्ड के बारे में जो मेंशन किया, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना जो हेल्थ कार्ड जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है. बहुत सारा पेशेंट्स को इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है. नहीं, ये तो गलत है. ये तो क्योंकि दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग तो दिरांग में ही बैठेंगे ना, तवांग से तवांग में कितना होगा. तो ये तो टोटली गलत एलिगेशन है. Now that you have announced the present MLA as your umidwar, as your candidate, there's also been a buzzing that you have a close link with opposition leader who is also climbing for a BJP ticket. What do you have to say on that? I personally have good links with all the people of Arunachal Pradesh because politics is a profession, which I always say. ठीक है, डेमोक्रेसी में टिकट ट्राई करना सबका एक जिम्मेदारी होता है, मगर टिकट तो एक ही को ही जाएगा. तो अभी पार्टी का ये निर्णय है कि अपना इस बार का फोर्थ दिरांग में फूलपा सिंह जी को ऐसे उम्मीदवार के तौर पे इसको आगे भेजेंगे. CM sir, I have one closing question for you. Last time we had a very beautiful interview, and I asked you, is Pema Khandu led government an issue based government or a money based government? You clearly spotted that it's an issue based government. So coming on to that note, what about the APPSC fiasco? The aspirants are still hitting the road, sir. No, I think there's a big confusion going around. I think someone is trying to mislead the youth of Arunachal Pradesh. As I've already mentioned, ki Arunachal Pradesh Public Service Commission is an autonomous body. Unfortunately, it has been more than a year that we all understand and know due to the paper leakage matter, or you can say paper selling that incident. More than a year, APCS ne exam conduct kar nahi paya. तो सिस्टम को रिफॉर्म, सिस्टम को हमने कहा कि ओवरहॉलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी चेयरमैन से लेके मेंबर्स और जितने भी जो हमारा कर्मचारी है सबका वहाँ पे ओवरहॉलिंग हो चुका है. न्यू चेयरमैन हैज़ टेकन ओवर, न्यू मेंबर्स दे हैव टेकन ओवर, न्यू सेट ऑफ ऑफिशियल्स दे हैव बीन पोस्टेड. अभी उसमें ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए उन लोगों का SOP का ठीक करना भी उनका ही जिम्मेदारी है. ये सरकार का कंट्रोल में नहीं होता है. तो जहाँ में SOP लास्ट टाइम वो लोग अच्छे से देखेंगे कि किस कारण से ये पेपर लीक का ये कंडीशन हुआ है. उस SOP जितने भी जो SOP को ठीक करते हुए अभी नया कमीशन बहुत ही जल्दी फिर एडवर्टीजमेंट करना शुरुआत हो जाएगा. तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग. नाउ इन्वेस्टिगेशन के तौर पर CBI को मांग किया, CBI को लेके आया, NIA को मांग किया, NIA को भी लेके आया. इन्वेस्टिगेशन पार्ट तो चल ही रहा है, प्लस लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है प्लस अभी हजारों पोस्ट जो सरकार ने क्रिएट करके रखा हुआ है उसका भी तो रिक्रूटमेंट होना है. और साथ ही साथ सरकार ने हमने ये निर्णय लिया था लास्ट ईयर जब भी ये पेपर लीक का मामला राज्य सरकार के पास में पहुँचा, तो हमने ये फैसला कर दिया कि अपना स्टेट का जो यूथ लोग है, जो कटिंग एज था उस वक्त में 37 ईयर्स, उसको भी हमने बढ़ा के अभी 40 इयर्स करके दिया हुआ है ताकि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए. सर वन मोर लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन. ओके सर, सिंस अभी हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इज नियर बाय एंड हर डिस्ट्रिक्ट में मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है BJP में, तो इवन मोदी जी इज कंफ्यूज आई थिंक कि टिकट किसको देगा करके. व्हाट्स योर रिमार्क ऑन दैट? नो, वी आर नॉट कंफ्यूज. यू नो, जैसे मैंने कहा कि BJP जो है एक बहुत बड़ा दिल का एक घर है. इस घर में सबको एकोमोडेट करने का हम लोग क्षमता रखता है. लोग BJP इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से BJP सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया लास्ट PM मोदी साहब का सरकार में, लास्ट 10 ईयर्स में जो देश को परफॉर्मेंस दिया और अरुणाचल प्रदेश में जो परफॉर्मेंस दिया, तो सब लोग डेवलपमेंटल एजेंडाज को लेके जोड़ना चाहते हैं. एंड आई वेलकम देम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. थैंक यू सो मच सर.